हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल मेरी पढ़ाई पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी पढ़ाई पे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर फिजिक्स में, चैप्टर बेसिक काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। बेसिक काइनेमेटिक्स में जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो आपका चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोई भी मोशन हो रहा होगा वो स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा, बैकवर्ड हो रहा होगा या फॉरवर्ड, और करेगा कौन? हमारा मेरी पढ़ाई। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं आज कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे, जो कि ये कार हमें ले चलेगी, वो कार हमें कहाँ से कहाँ तक ले चलेगी वो देखने वाली चीज़ें होंगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं स्पीड की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप पहले ही सारी क्लासों में, यानी नाइन्थ क्लास स्टैंडर्ड में, आप ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। सो हेयर इज फर्स्ट ईयर, क्लास फर्स्ट ईयर, यू विल सी दैट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यू विल ऑल्सो रीड हेयर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। देन अब हम बात करते हैं मोशन। मोशन जी हमें ये बताएंगे, हमें पहले स्पीड के बारे में जानना है कि बेसिक चीज़ें क्या है स्पीड की। ठीक है क्लास, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए इस चैप्टर में सिनेरियो क्या है, आपका माइंड मेकअप हो जाए। फिर हम आपको ग्राफ मैथड से, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मॉड मैथड से जो बताएंगे वो आपके लिए ईजी अंडरस्टैंड होंगी। तो वही चीज़ होता है क्या कि कोई भी रास्ता चलने से पहले हमें उस रास्ते की छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो रास्ता वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले स्पीड की। किसकी बात करते हैं? स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की तरफ हमारा मेरी पढ़ाई ले चलेगा, और स्पीड क्या होता है वो देख लो। तो ये स्पीड, ये नीचे है ये स्पीड। स्पीड डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। यानी स्पीड में क्या कंसीडर होता है आप देख सकते हो, ये स्पीड, और स्पीड में क्या कंसीडर हो रहा है? डिस्टेंस कंसीडर हो रही है। ठीक है, यानी स्पीड कोई बंदा चलेगा या हम मेरी पढ़ाई, हमारा मेरी पढ़ाई जब चलेगा तो वो डिस्टेंस को कवर करेगा, तो उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वो किस में आएगा? स्पीड में आएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां से कि स्पीड में किसका होता है? डिस्टेंस होता है। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्टेंस आती है। ठीक है, स्पीड में भी डिस्टेंस आती है, वेलोसिटी में भी डिस्टेंस आती है, लेकिन आप दोनों में देख रहे होंगे कि दोनों में एक चीज कॉमन नहीं है, वो है डायरेक्शन। यानी हमें एक चीज समझ में आ गई यहीं से कि वेलोसिटी में क्या चीज आती है? डायरेक्शन आती है। किसने बताया? मेरी पढ़ाई ने। वेरी गुड, अब हम बात करते हैं, यानी हमें ये चीज क्लियर हो गई है बच्चों कि स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है, एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम आपको भी जब इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर, यानी नेक्स्ट आगे जब बताएंगे, तो उसमें आपको सारी चीज क्लियर कर देंगे, इसमें डायरेक्शन क्यों होती है, इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं होती है। ठीक है, फिर आपको बता देते हैं हम आपकी जानकारी के लिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी की वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड भी देखोगे एज वेल एज डायरेक्शन भी देखोगे। ठीक है क्लास, तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया किसके रिगार्डिंग? स्पीड और वेलोसिटी के रिगार्डिंग। और किसने बताया? मेरी पढ़ाई ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? जो एक्चुअल लेंथ होती है। क्या होती है डिस्टेंस? एक्चुअल लेंथ होती है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और वो डिस्टेंस कवरअप होती है स्पीड के थ्रू भी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होती है, वो कवर अप किसके थ्रू होती है? स्पीड के थ्रू। यानी आप एक जगह तक गए वापस आ गए। वेलोसिटी में क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, वहां उधर ही जाना है आपको, मुड़ना नहीं है, इधर आप मुड़ भी सकते हो स्पीड में। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ। रिमेंबर इन योर माइंड बच्चे, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका चैप्टर फिनिश हो गया, और बहुत आसानी से। और कौन बता रहा है? मेरी पढ़ाई। तो फिर हम बात करते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, मान लो स्पीड से हम भाई आपको ग्राफ के थ्रू बताएंगे, स्पीड से हम दो तीन जगह गए, और उस दो तीन जगह को हमने अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कवर कर लिया, तो वो किसमें आ जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ ज़रूर याद रखना, हम आपको ये भी बताएंगे अभी, ये बस सिनेरियो माइंड में आप बना लो, उसके बाद हम आगे ज़रूर बताएंगे और वो चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, बस ये चीज़ अपने माइंड में रखना। अब हम बात करते हैं ग्राफ का। ये ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ठीक है। ये एक इमोजी है जो बाइक से यानी कार से जा रहा है और एक लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस जहां पे लिखा हुआ है। तो ये बाइक अगर ओरिजिन से उस जगह तक जाएगी तो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक ठीक है, और उसके बाद जब वहां से वापस आना शुरू होगी, बच्चों ध्यान रखना, देखो ये वापस मैं वापस ला रहा हूं, जब यहां से वापस आना शुरू होगी तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ओरिजिन पे आएगा यानी ओ, ये देखो ओरिजिन है, ओरिजिन पे आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये देखो आ रहा है तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये याद रखना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर यहां से ये कार यहां से एक्स एक्सिस तक चली है और वापस आ रही है तो निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आना शुरू हो जाएगा, अगर उसी जगह वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है क्लास। और वापस आना मतलब आप कह सकते हो रिटार्डेशन भी, ठीक है ओके। तो अब हम आपको समझ में आ गया है ये पूरी चीज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो आप देखिएगा और बताया कौन हमारा मोशन जी यानी कि मेरी पढ़ाई। सो क्लास जैसा कि मैं बताया था आपको, अब हम बताने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये हमारा वेक्टर का साइन है, ठीक है आप देख सकते हैं, और ये देखिए वेक्टर का साइन है, ये मैग्नीट्यूड होता पीछे वाला और ये क्या होता डायरेक्शन, यानी कि लॉर्ड राम भगवान राम का जो बाण होता था एरो होता था, वो एरो आप देख सकते हो कैसा होता था, ऐसा होता था, ठीक है कैसा होता था ऐसा। तो जो एरो जिस तरफ जाता था यानी जो ये शेप है, ये शेप, ये चीज़ क्या शो करती है डायरेक्शन, और पीछे वाली चीज़ उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जब दोनों चीज़ें आएंगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखते हैं ये एक मोटू पतलू या मोटू ले लो आप, जा रहा है वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह यानी यहाँ से यहाँ, यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी और टाइम लगेगा इस डिस्टेंस से जाने में, तो वो क्या बना देगा स्पीड। यानी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि स्पीड में वर्क करता है या करती डिस्टेंस वर्क करती है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लगेगा वो स्पीड के रिगार्डिंग आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हम स्पीड से गए, उसके बाद मोड़ आ गया यानी हमने अपनी स्पीड चेंज की यानी वेलोसिटी में आ गए। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, आपको सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद इस जगह हम इस जगह तक आके रुक गए, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होता है, देखो मैंने लिखा भी है कि चेंजमेंट इन वेलोसिटी और टाइम भी लगेगा, ठीक है बच्चों टाइम लगेगा, और वो जैसे ही वेलोसिटी में चेंजमेंट होगा वो क्या बना देगा एक्सेलरेशन बना देगा, और ये मोटू पतलू लास्ट में पहुंच गया। उसके बाद आपको मैंने वही बताया था, ये देखो ये यहाँ से ये एक डिस्टेंस गई है ये, ठीक है इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देख लो ये हो गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है देख लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है अब कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम लग गया। अब जैसे टाइम लगा तो उसने क्या बना दी वेलोसिटी बना दी, यानी हमने आपको ये भी चीज़ें क्लियर कर दी कि वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड में आपकी डिस्टेंस आएगी, आपको हमने एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, मान लो यहाँ आया यहीं से वापस चला गया यहाँ पे आ गया तो ये जीरो हो जाएगा, और बीच में जैसे आ रहा होगा तो निगेटिव में आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, आप प्रैक्टिकल जितना चीज़ों को समझोगे फिजिक्स में उतना ही मज़ा आएगा, भले ही कोई आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन चीज़ों का मज़ा प्रैक्टिकल से ही आता है क्लास, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी वो हमने आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, छोटे से ही लेक्चर में क्लियर की हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, डायरेक्शन के बारे में बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है स्पीड का है, इसमें क्या डायरेक्शन है नहीं है, कहीं मुड़ रहा नहीं मुड़ रहा, तो जब नहीं मुड़ रहा ओनली क्या है मैग्नीट्यूड यानी पीछे वाला एरिया एरो का ये वाला एरिया, तो वो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहीं से आता है कि स्पीड जो होती है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्पीड किसके इक्वल होती है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो आपकी डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी इसमें डिस्प्लेसमेंट देखो डायरेक्शन है कि नहीं है, इधर मुड़ते 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 इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने की वजह से वेलोसिटी भी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है। तो इसीलिए बच्चों वेलोसिटी और
डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब बात करते हैं हम, अब देखिए ये यू थी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल क्या थी वी। वेलोसिटी में क्या हो गया चेंजमेंट, अब चेंजमेंट हुआ तो डायरेक्शन आएगी, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया वेलोसिटी हम पहले बता चुके हैं आपको इस वेक्टर क्वांटिटी होगी, अब जो वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन बना, तो इसका मतलब एक डाउट और क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेरी गुड, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको एक ग्राफ मेथड से कवर की है, आप देख सकते हो कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया और बहुत मज़ेदार तरीके से बताया और बहुत मज़ा आया होगा आपको, ठीक है क्लास। और एक बार आप देख लो 2-3 सेकेंड के लिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछो कमेंट बॉक्स में, और फिर से कोरोना चल रहा है आप लोग प्लीज़ सेफ रहना, घर पे ही रहना, पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान रखो, अच्छे अच्छे पकवान बना के ज़रूर खाना, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक ग्राफ हो गया मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लास फर्स्ट ईयर बेसिक काइनेमेटिक्स बोलते हैं जिसको, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताएंगे आपको और बहुत। सो थैंक यू क्लास, आई होप आप सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा हमारे मेरी पढ़ाई के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, पेरेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।